अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये बेहद खुशी है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कौम के एक जवान साल डॉक्टर के साथ साथ आप केयर हॉस्पिटल में आरएमओ हैं, एक बहुत बड़ी बात है जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर कहीं ना कहीं हमारी कौम में एक खौफ का माहौल है, और जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसा खौफ बैठा हुआ है कि कोई तैयार नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि कुछ दिन पहले आपने एक इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन हम खास तौर पर आज आपसे मुलाकात इसीलिए आए हैं कि आप खुलकर बताइए कि इसमें नुकसान क्या है, और अगर नहीं लिए तो उसमें क्या, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, लेने से क्या फायदा है, बताइए डॉक्टर। कोरोना के बारे में जो मुख्तलिफ उसके वैक्सीनेशन के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें, मैं अफवाह ही कहूंगा क्योंकि उसकी कोई वजाहत करने वाला कोई नहीं। जो व्हाट्सएप में या फेसबुक में दीगर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसमें के अक्सरियत झूठी अफवाहें हैं, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान कौम उम्मत को वैक्सीनेशन लेने से रोकने के लिए ये झूठी खबर फैलाकर, झूठी उनको ये देकर, डराकर वैक्सीनेशन से दूर रख रहे हैं। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल बरक्स मुख्तलिफ है। ऐसा है, वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में अलबत्ता पॉजिटिविटी रेट तो कम होगी। वैक्सीन जो ले चुका है, अगर जो उसे कोरोना, खुदा ना खास्ता कोरोना पॉजिटिव हो भी गया तो बिल्कुल सीरियस नहीं होगा। हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी जान की तो तहफ्फुज पक्की। अच्छा, उसमें कोई शको शुबा नहीं, पक्का जान की, लोगों की जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनकी जान की तहफ्फुज तो बहुत पक्की है। और ये मैं बात ऐसे ही इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये पूरी एक साल से मुसलसल इसके पीछे एक जद्दोजहद चली है कि वैक्सीन डेवलप करने के लिए हजारों साइंटिस्ट, हजारों डॉक्टर्स मिलकर लाखों लोगों पर ये ट्रायल करके पिछले एक साल में, आज इस साल जनवरी 16 में हम लोगों को ये वैक्सीनेशन का शुरू हुआ। उसके बावजूद उसके बाद 3 महीने मुसलसल उसका लोगों पर फिर से ट्रायल, फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें के 10 करोड़ लोगों को, पूरे मुल्क में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। और कर्नाटक रियासत, कर्नाटक में कुछ 45 लाख लोगों को दिया जा चुका है। मैसूर जिले में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। मैसूर सिटी में कुछ 75,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। जिस 75,000 वैक्सीन जो हमारे कुछ 45 सेंटर्स में दिए गए मैसूर सिटी में जी, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैसूर भी एक है। खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैसूर में हम लोग 18,000 लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और बाकी जो 44 सेंटर्स हैं उनमें बाकी दूसरे लोगों को हुआ है। लेकिन मैसूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं खुद जहां का सरबरा हूं, जहां का चीफ हूं, वहां पे मैं 18,000 लोगों को किया हूं, एक भी मौत नहीं हुई। अच्छा, 3-4 अलबत्ता रिएक्शंस हुए हैं, वो भी माइल्ड हैं। हम लोग 24 घंटे के अंदर उनको, अमूमन क्या होता है सर वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को जितने मेरे पास आके वैक्सीनेशन लिए हैं, जो मेरे को फीडबैक मिला, लोगों में यह होता है कि थोड़ा हाथ में दर्द है, कुछ लोगों को इक्का दुक्का लोगों को बुखार आया। अच्छा, कोई और दूसरा रिएक्शन नहीं है, कोई ये नहीं है कि मर गया है, ये है। पूरे मैसूर जिले में 2.5 लाख लोगों को हुआ है, एक मौत नहीं हुई। अच्छा, पूरे कर्नाटक में 45 लाख लोगों को दिया गया है, जिसमें कि 3 मौतें हुई हैं, और तीनों की तीनों में जब चेक किया गया, वैक्सीन लेने के 2 दिन बाद इंतकाल हुए हो 3 लोग, एक शिमोगा में हुआ, एक बल्लारी में हुआ और एक मंगलोर में हुआ है। तीनों जगहों में क्या हुआ है, उन लोगों को पहले से हार्ट प्रॉब्लम्स थे, वो था ये था, जिसका कि हार्ट अटैक होने वाला था, वैक्सीन नहीं भी लेता तो होने वाला था, तो ऐसा हुआ है। ये कोइंसिडेंस जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली, कोइंसिडेंटल डेथ हुआ है। मैं दूसरा, और मैं समझता हूं कि ये वैक्सीन उतना ही सेफ है जितना कि कोई और इंजेक्शन है। आपको किसी और इंजेक्शन से भी कभी कभार रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इसमें भी रिएक्शंस हो जाते हैं। आप खाना खाते हैं उसमें भी कभी कभार बदहजमी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब, आपने डिस्ट्रिक्ट में 2.5 लाख की बात की, और जहां तक 18,000 की भी बात की आपने सिटी लेवल में, सर हमारा होम का तनासुब क्या रहा, मतलब फीसदी कितना रहा लोगों में, कैसा लगा? बड़े दर्द से मैं आपको कह रहा हूँ, ये मुझे खुद
बड़ा इसमें बेजार की होती है। मैं हर दिन करीब करीब 1000 लोग मेरे पास वैक्सीनेशन कराते हैं, 3 लोग मुसलमान नहीं होते। तो मतलब 0.03 हो गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, बड़े दर्द से कह रहा हूँ, ये मैं बज़ाहिरन सबके सामने कह भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम खुसूसी मुलाकात आपसे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कौम तक एक मैसेज पहुंचे। जी, मसला ये क्या है जी, कि हमारी कौम, हम हर हमेशा मैं देखता हूँ हमारी एक तो जहालत है, दूसरी कमी उम्मी है। दुश्मनान इस्लाम, ये जो शैतानी शैतान के शागिर्द हैं, ये हर हमेशा हर अच्छे काम में काबिज हो जाते हैं और हमारी कौम को भटकाने की कोशिश करते हैं। इन शैतानी अफवाहों से, शैतान के शागिर्दों से बचें। मैं आप लोगों से आजिज़ाना अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इस वैक्सीनेशन में आगे बढ़ें, वैक्सीनेशन लें। इसमें आपकी खुद की तहफ़ है, आपकी कौम की तहफ़ है, आपके घर की तहफ़ है। वैक्सीन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, ये बात है, लोग कहते हैं कि वैक्सीन ले लेने से क्या पूरा हो जाता, ये हो जाता, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मसलहत है। ये जो वैक्सीन हम लोगों ने अभी ये लोगों में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, ये वैक्सीन जो है ये भी अल्लाह की नेमत है। ये हमारे लिए एक बाइस फख्र बात है कि हम लोग इसको आवाम को फ्री दे पा रहे हैं। बिल्कुल, दूसरे ममालिक में लोग बहुत ज्यादा पैसे दे के ले रहे हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कई जगह पे $60 $80 है, जिसका अगर आप ये करेंगे, तर्जमा करेंगे, 5-6 हजार रुपए है। पाकिस्तान में 8 हजार रुपए है वैक्सीन, बांग्लादेश में कुछ 3 हजार रुपए में आ रहा है, नेपाल में बहुत कॉस्टली है, चाइना जहां शुरू हुआ वहां पर भी वैक्सीन कॉस्टली। हमारे मुल्क का ये रहा है क्योंकि हमारे ही मुल्क में ये चीजें बन रही है, तो कास्ट कटिंग हुई है और मैक्सिमम 200-250 रुपए पड़ती है, जो कि हुकूमत की जानिब से वो भी फ्री हुआ है। और मैसूर के बारे में मैं आपको एक खास बात बताऊं, हमारे यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जहां अब तक 200-250 रुपए ले रहे थे, वहां पर भी हम लोगों ने अभी फ्री करने का इस हफ्ते से प्रोग्राम बना दिया है। आपको पूरे मैसूर में कहीं भी जाए मुफ्त मिलेगा, मुफ्त में 250 रुपए की कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। आप आराम से जाएं, अपना एक आधार कार्ड लेकर जाएं, बाकायदा एनरोलमेंट कर लें, उसके बाद वैक्सीनेशन ले लें, टोटल फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हमने एक, वो सब जाहिर नहीं कर सकते कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे हम लोगों ने मनाया, लेकिन एक महकमे की तरफ से, महकमे सेहत की जानिब से हम लोगों को एक पहल की हम लोगों ने, और अल्लाह का करम, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, तामन कर रहे हैं। जगह उनकी है, वैक्सीन हमारी है, लोगों को फ्री में फराहम करने की कोशिश चल रही है। पूरे इंडिया में एक पहला शहर है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फ्री देने का हम लोगों ने एक इंतजाम भी कुछ गठजोड़ कर लिया कि हम तुम्हारी भी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करो। बिल्कुल, ये कौम की भलाई है इसमें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मान चुके हैं, लगभग सब जगह पे फ्री है अभी। जहां पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री है अभी, कुछ कल पेपर में भी हम लोगों ने इश्तिहारात दिए थे, कुछ 25-26 हॉस्पिटल्स में फ्री है। नजदीक के हॉस्पिटल्स में गोपालगोड़ा है, अलंसार हॉस्पिटल है, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है, कुछ दिन में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में भी होगा, नारायणा में भी होगा, अभी 2-3 दिन में कोलंबिया, कल से कोलंबिया शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, परसों से जुमे से इंशाल्लाह नारायणा में भी फ्री हो जाएगा। जहां भी हॉस्पिटल में जाएं, आप जाएं, आप लोग फ्री में वैक्सीनेशन लें। और रमजान आने वाला है अगले 8 दिन में, मैं आप लोगों से आजिज़ाना अपील करता हूँ, मैक्सिमम वैक्सीनेशन ले लें, क्योंकि रमजान में जो कोरोना का कहर जो टूट रहा है अभी, रमजान में और ज्यादा होने वाला है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, मैं दुआ को हूँ, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह हमें ताकत अता फरमाए कि हम इस वबा पर काबू पाने में हमारी मदद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब, ये 45 साल की उम्र के जो लोग ऊपर हैं, उनको जो अभी ये इसमें शामिल किया जा रहा है, इससे कम उम्र के जो नौजवान हैं, क्या उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से ये हुआ है, क्या है सर? देखिए, एक रिसर्च चली जिसमें के मैक्सिमम अमवात किसमें हुई वो देखा गया। मैक्सिमम अमवात जो हुई है 70-80 साल, 50 साल, 60 साल में हुई है, और उसके बाद जो मौतें हुई ये 40-50 साल की ब्रैकेट के लोगों में बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि उनको शुगर, बीपी, वो वगैरह था,
तो उनको ये हुआ है। तो हम लोगों ने क्या ये किया है कि जिन जिन में ज्यादा मौतें होने की चांसेस है उनको वैक्सीन पहले लगाया जाए। अच्छा, जो जिन में लड़ने की ताकत है वबा से उनको थोड़ा बाद में जा रहा है, इंशाल्लाह वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, अगले एक महीने में इंशाल्लाह 40 साल से कम उम्र के लोगों को भी इजाजत। सर, इस टीके के लिए आधार कार्ड लाजिम है? आधार कार्ड लाजिम है। अच्छा, आप एक आधार कार्ड लेकर आए जी, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली वैक्सीन दिया जाएगा। आधा घंटा आपको वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्वेशन में बैठना है, फिर आप अपने रास्ते निकल जाए। आपको जो तकलीफ होगी उसके लिए दवाई भी, अगर दर्द होता है होता है वहीं पे दवाई भी मुफ्त दे दी जाएगी। बिल्कुल, आप वो भी ले लें और वहां से निकले। कुछ तकलीफ होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप आराम से आए, ट्रीटमेंट कराएं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत हाथ में दर्द होगा कुछ लोगों को, अमूमन जो मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम मेरे जो पेशेंट्स आए हैं उनसे जो रब्ता करते हैं वो बोलते हैं साहब इसमें हाथ में दर्द था डॉक्टर साहब, थोड़ा हाथ वजन हो गया, सर का हो गया था, थोड़ा ये हुआ था, कुछ लोग कहते हैं थोड़ी बुखार आ गई थी, बस बस, बाकी और कुछ नहीं। मैं आपको खुले तौर पे बोल रहा हूँ, जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये ओपन है, कोई क्लोज डोर में कुछ नहीं हो रहा जी। जो कर रहे हैं हर एक पेशेंट का रजिस्टर्ड है, जिनकी मौत हो रही है वो भी रजिस्टर्ड है, जिनकी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो भी रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि लोग धड़ल्ले से वैक्सीनेशन लिए मर रहे हैं और हम झूठ बोल रहे हैं, जरूरत ही नहीं है किसी। ये वैक्सीनेशन चल भी रहा है इसलिए कि ताकि कौम को वबा से बचा जाए, और कोई बेहतर वैक्सीन आ जाए इंशाल्लाह आगे और ये हो जाए, हुकूमत उसको अप्रूव कर देगी इंशाल्लाह, वो भी कौम के सामने रख देंगे। अच्छा, आज की हालत में, आज के दौर में, पिछले साल जो हालत थी इस एक साल पहले याद करें, लॉकडाउन था, लोगों को खाना खाने की मुश्किल थी, रमजान शुरू होने वाला बिल्कुल, था बिल्कुल। बहुत खौफ का माहौल था, खौफ का इसका था। आज अल्लाह का करम, एक साल बाद अगर फिर भी वबा है, पिछले साल से ज्यादा ही वबा लेकिन कंट्रोलेबल, लेकिन उसके बावजूद आज अल्लाह ने हमें इतनी कुव्वत दी, ताकत दी कि हम उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आज लॉकडाउन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल काम चल रहा है, लोग अपने रोजी रोटी की मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा परेशान होने की, डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी बात फिर ये बात बोल रहा हूँ, कौम को किसी लिहाज से डरने की जरूरत नहीं। आपके कौम का बच्चा आपके सामने बैठा है, हुकूमत में, महकमे में, अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, अल्लाह ने पोजीशन बख्शी है, मैं आपके बीच में हूँ, बिल्कुल मैं आप में से हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको तकलीफ होती है तो वो ऐसा है कि मुझे तकलीफ होती है, तो बस एतमाद का सवाल है, मैं बैठा हूँ आपके साथ, साथ दीजिए, अल्लाह का एहसान है, पहले हमको पूछने वाला नहीं था, आज अल्लाह ने इज्जत बख्शी, हम लोगों को उठाया, आज हम कौम की मदद कर रहे हैं, आज दूसरे कौम वाले आके मेरे पास मदद लेके जा रहे हैं, मेरे पास काम लेके जा रहे हैं, मैं अपनी कौम को नहीं करूंगा ऐसा कैसे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी बातें क्लियर कर दी, जजाकल्ला जजाकल्ला सर।